सब्जियों का राजा प्याज एक बार फिर रुला रहा है ग्राहकों को। पिहोवा बाजार में प्याज 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है, वहीं थोक बाजार में प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए किलो है। पिहोवा स्थित सब्जी मंडी में प्याज का थोक भाव 50 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि 2015 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं प्याज की कीमतों को में तेजी आई है, इससे बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। जैसे पहले लोग जहां 5 किलो तक प्याज खरीदते थे, वहीं अब 1 किलो या आधा किलो के से काम चला रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि दिवाली के बाद प्याज की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। इधर थोक में सादा आलू 20 रुपए, लाल आलू 25 रुपए और अल्टीमेट आलू 30 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। वहीं सब्जी मंडी में दुकानदार भी इसका पूरा फायदा उठाते हुए अधिक से अधिक रेट पर प्याज बेचने की फिराक में है। कई दुकानदार भी ग्राहकों को चूना लगाते नजर आए। भाजपा के राज में स्टोकियों ने अपना सारा प्याज जमा कर लिया है। भाजपा नारा दे रही है 75 बार, ये थोड़ी पता था कि प्याज ही 75 बार कर देगी। हम तो सीटें सोच रहे थे 75 बार, इन्होंने प्याज को ही 75 बार पहुँचा दिया। कैसे एक गरीब आदमी अब प्याज खाएगा? पहले कहते थे प्याज और नमक लगा के रोटी खा लेंगे, अब प्याज भी नहीं खाने के लिए गरीब के पास रहा, कहाँ से गरीब आदमी अब रोटी खाएगा? इसका मुख्य कारण जमाखोरी है। अगर सरकार अपने खाते अपने पर्सनली काम के लिए अपना मतलब बढ़ावा देने के लिए जो अगर इसको जमा करके रखेगी तो प्याज बाजार में नहीं आएगा, तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये 250-300 की मजदूरी करने वाला 80 रुपये किलो के हिसाब से क्या कर लेगा ये? ठीक है ना जी, फिर तो उनकी जेब से ही भी लगा लो, उनका बजट तो कुछ तो वैसे भी खराब चल रहा है। इस सरकार ने तो बिल्कुल ही बुरा हाल है जी, ना उनको काम मिलता, बेरोजगारी और कुछ ये बढ़ती हुई महंगाई, तो इसका मुख्य कारण जमाखोरी है जो सरकार ने अपने उसके लिए जमा करके रखा है।